वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह मंगलवार को हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने यहां ECHS पॉलीक्लिनिक का निरीक्षण किया और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों की कमी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जल्द ही नए डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। बता दें कि हमीरपुर पॉलीक्लिनिक में हमीरपुर से सटे मंडी, ऊना और कांगड़ा के पूर्व सैनिक उपचार के लिए आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हम यहां देखने आए हैं कि हमारे सैनिक देश की सेवा करने के बाद जब घर आते हैं तो उन्हें किस तरह की परेशानियां होती हैं। इस दौरान उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण भी किया। और वेटरन्स जो हैं हिमाचल में खासतौर पर इस इलाके में कांगड़ा, हमीरपुर, सरका घाट, ऊना बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, और ये हमारी फौज की जिम्मेवारी है कि हम हमारे सभी वेटरन्स की देखभाल करें। इसी के लिए हमने ECHS पॉलीक्लिनिक खोले हुए हैं। तो मैं देखने के लिए आया था कि ECHS पॉलीक्लिनिक यहाँ का है, कैसे चल रहा है। मैंने देखा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स की कमी है, वो हम पूरी करेंगे। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कैसे हम हमारे जवानों को जो रिटायर होकर चले गए घर में, उनकी मेडिकल की देखभाल कर पाएँ, उनको कैंटीन का सुविधा ठीक से देख पाएँ, और भी किसी किस्म की तकलीफ को हमारी जिम्मेवारी बनती है। सर, इसीलिए मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए और देखने के लिए क्या है। एक बार खुद देख लो तो पता लग जाता है क्या प्रॉब्लम है। सर, और पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे, अभी क्या है सरकार के पास प्रोजेक्ट क्या हुआ है, जितने पहले बने थे उतने अभी बन गए हैं। पूरे आर्मी के अंदर हमारे पास कोई 200 के करीब पॉलीक्लिनिक है, लेकिन ज़रूरत महसूस हो रही होगी और भी जगह खोलने चाहिए, क्योंकि दो पॉलीक्लिनिक के बीच में 200 किलोमीटर का फ़र्क है कई जगह पे, तो नज़दीक होने चाहिए। तो वो जैसे ही गवर्नमेंट सेंक्शन करती है और कितने, तो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं मालूम होगा कितने हैं, लेकिन हमने ये हिसाब लगाया है कि कहीं से भी किसी भी जहाँ पर ज़्यादा एक्सर्वेशन रहते हैं उनको अपने घर से 50-60-70 किलोमीटर के अंदर अंदर पॉलीक्लिनिक बनना चाहिए, ताकि बहुत दूर जाना न पड़े। उस हिसाब जो हमीरपुर का पॉलीक्लिनिक है अपग्रेड, हमीरपुर का प्लान जो है ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कुछ स्पेशल रिपेयर की ज़रूरत है जो हमने बताया है करेंगे। यहाँ डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। जो सैलरी फिक्स्ड है सरकार ने, तो डॉक्टर कम है, तो हमने बताया कि एक तो हम हायर कर रहे हैं स्टेट में और कोशिश करेंगे और डॉक्टर यहाँ, डॉक्टर कम है, और ये डॉक्टर कल से आ जाएंगे और दो हो जाएंगे, आज अभी तो एक ही हैं, और अगले 15-20 दिन में कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, हमारे इम्पैनल क्लिनिक हैं। दवाइयों का प्रॉब्लम क्या रहता है ना, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में हमारे जाते हैं रोगी, वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राइवेट जो डॉक्टर होते हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन सब प्रस्क्राइब कर देते हैं, और हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में ये है कि कोई ब्रांडेड मेडिसिन नहीं दी। तो हम क्या करते हैं कि उसने कोई मेडिसिन लिखी होगी, अगर मरीज़ कहे कि मेरे को यही मेडिसिन चाहिए तो वो नहीं दे सकते, लेकिन वही उसकी जो जेनरिक इक्विवेलेंट जो है सॉल्ट वो हम देते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा हो जाता है कि दवाई नहीं मिल रही है, दवाई मिलती है लेकिन वो ब्रांडेड मेडिसिन खास उसी नाम की नहीं हम दे पाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी मेडिसिन है। और सर एक जर्नलिस्ट का है, मेरे जाने के बाद वो स्टाफ से पूछेगा, आपको जवाब देंगे। सबका मकसद है कि लोगों की देखभाल करना, एक वेलफेयर मेजर है, वेलफेयर स्कीम है ये। लेकिन कई बार होता क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, काम करने वाले कम हो तो कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर गवर्नमेंट की फिक्स की हुई है, पढ़ाई गई है पीछे, तो गवर्नमेंट का है प्रोसीजर जब, और लेकिन इस इलाके में हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। पंजाब में हमें डॉक्टर्स कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में कोई दिक्कत सर जैसे सैलरी बढ़ जाए तो इस इलाके में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर्स की, सैलरी के कारण। सैलरी का कारण दूसरा क्या है, एज रिस्ट्रिक्शन है ना कि भाई 65 साल की उम्र तक ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा उम्र का डॉक्टर होगा उसकी हम सेक्शन दिलवा देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एज ज़्यादा भी है तो आप उसको रख लो। तो एक केस क्या आया हुआ है हमारे पास, तो हमने बोला वो कल से ही आप इंप्लॉय कर लीजिए, हम सेंक्शन। सर ऐसा नहीं होता कि जो दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो प्रभारी नीलकांत भारद्वाज की रिपोर्ट।